आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के थांदला में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 29 और 30 अक्टूबर को होने वाले शिविर में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा संबोधित करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में करारी हार के पश्चात अभी से अपने अनुसूचित जनजातियों के नेताओं को गांव-गांव फलिए तक मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं को तैनात किया जा रहा है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक एवं दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर झाबुआ जिले के थांदला में आयोजित किया जा रहा है। कार्यकारिणी की बैठक थांदला के मेट्रो गार्डन में होगी, जिसे लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। वहीं दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एवं संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा अलग अलग वर्गों में संबोधित करेंगे। इसलिए 29 तारीख को हमारा प्रशिक्षण वर्ग रहेगा और 30 तारीख को हमारी कार्य समिति होगी। यहाँ पर कार्यकर्ता दो दिन रहकर सभी सीखेंगे, समझेंगे और हमारे क्षेत्र में जाएंगे, समाज का कैसे विकास करना है, समाज को कैसे आगे लाना है, ये हमें हमारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देंगे। उन मार्गदर्शन को हम प्राप्त करेंगे और उनके कहे अनुसार हम गांव में भी जाएंगे। माननीय वीडी भाई साहब रहेंगे हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और हमारे संगठनकर्ता, हमारे मार्गदर्शक माननीय हितानंद जी शर्मा भी हमारे बीच में रहेंगे। माननीय शिवराज जी का भी आने की संभावना थी, मगर अब वो इतने बिजी हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए उनकी संभावना कम दिख रही है। फिर भी हम प्रयास करेंगे, हम जनजाति समाज के इस वर्ग में वो उपस्थित रहें, ऐसा हम प्रयास करेंगे, मगर उनकी व्यस्तता के कारण हम उनको ज़्यादा व्यवधान पहुँचाना नहीं चाहते। तैयारी आपके सामने है, तैयारी संपूर्ण तैयारी है। ये वर्ग एक ऐसा लोगों के मानसिक पटल पर चिर स्थायी रहे। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।